नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरडी टीवी के माध्यम से। अभी हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत हूँ, जहाँ की विशाल सत्संग यहाँ चल रही है। संत रामपाल जी महाराज का ये देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में आए हुए, सत्संग में आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ देख रहे हैं चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। सत्संग में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ चाय नाश्ता की भी व्यवस्था की गई है। तुम भी करो, तुम स्वयं करो। आपको बीआरजे टीवी में स्वागत है। अभी किस चीज की सत्संग यहाँ चल रही है? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यहाँ चल रहा है जी, और ये विशाल सत्संग है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है जी कि भक्त समाज को बुराई से बचाना, बुराई से दूर करना। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि नशा पान बीड़ी शराब गांजा जितना भी नशीली सामान हो उनका भक्त नहीं करता है, बिल्कुल ही उसको हाथ से ही नहीं छूता है। और संत रामपाल जी महाराज का दूसरा उद्देश्य है कि बिना दहेज के शादी विवाह कराना 17 मिनट में वेद के अनुसार, जो वेद में मंत्र है उसी मंत्र से 17 मिनट में शादी करवाते हैं बिना तिलक दहेज का। और संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जगत से बुराई को हटाना और समाज को स्वच्छ बनाना है ना। उनका कोई अनुयायी कोई रिश्वत नहीं लेता है, कोई बुराई नहीं करता है और निर्मल स्वच्छ रहता है। वो कोई नशा पान भी नहीं करेगा और किसी वातावरण भी उसका निर्मल स्वच्छ दिखेगा। कोई वातावरण भी अच्छा खराब नहीं कर सकता है, अच्छा ही करेगा वातावरण। और परमात्मा के सत्संग के विषय में बात करेगा। तो महाराज जी खुद यहाँ आ रहे हैं क्या? नहीं, गुरु महाराज जी तो अभी वो नहीं है, वो तो हरियाणा में है गुरु महाराज जी। जी अभी तो देख रहे हैं लाइव चल रहा है, कैसेट प्रोजेक्ट द्वारा चल रहा है अभी जी जी, और जगह जगह चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग पूरे भारतवर्ष के अंदर में प्रोजेक्टर द्वारा ही चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक नामदान केंद्र है, निःशुल्क नामदान दिया जाता है, एक पैसा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है ये किनकी ओर से की गई? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से व्यवस्था की गई है, चाय पानी बिस्कुट का जी जी, और भक्तों को यहाँ ठहरने रहने का जी, सत्संग सुनने का सारी व्यवस्था। ये सत्संग कितने दिनों तक चलेगा? ये सत्संग आपको अभी 11 बजे से लगभग 2 बजे तक चलेगी जी जी जी, और उसके बाद लोग चाय पानी फिर करेंगे और अपने अपने जगह पर प्रस्थान करेंगे, फिर चले जाएंगे जी जी। जी धन्यवाद। आप देख रहे थे बीआरजी टीवी के माध्यम से, हम दिखा रहे थे यहाँ देख रहे हैं सतपाल महाराज जी के ओर से यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है भक्तजनों के लिए। आप देख रहे हैं प्राणियों की एक जैसे जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। संत रामपाल जी महाराज का ये लाइव चलता हुआ यहाँ भक्तजनों और चाहिए कोई भी भक्ति धन आपका तो है, नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है, आप कहाँ से आए? उन दोनों से ये पोस्ट मिल जाती है। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से तो किस जगह से? जी उनकी सेवा में आए कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूलधन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है तो ठंडा होने के बाद। सर आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है, और ये अभी देख रहे हैं रामपाल महाराज जी का अभी जो प्रवचन चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठंडा होने के बाद मुख्य उद्देश्य कुछ है कि यहाँ क्या बताते हैं इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर तीन लोग और पवन पैदा होने वाला है और वो सब भक्ति कहाँ से मिलती है? तो हमारे किसी ने दुनिया में जितने भी धर्म कर लिए उनसे जो महाराज बता दिया
और उसके बाद उस तरीके से भक्ति करने से ही मनुष्य को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। अन्य जितनी भी भक्तियां हैं उसके लाभ नहीं मिलते, प्रमाण के साथ बताते हैं और उन्हीं के धर्म ग्रंथ सत ग्रंथ जैसे कि वेद से, पुराण से, गीता से, पुराण से, बाइबल से, जैन धर्म के ग्रंथ से, हो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, यानी दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म ग्रंथ है उन्हीं में जो गूढ़ रहस्य है उस रहस्य का रहस्य उद्घाटन मालिक ने किया है और तत्व ज्ञान का प्रचार करके मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं मोक्ष के। तो आप भी सर इसी सत्संग में आए हुए हैं, इसी सत्संग से आप अपना परिचय देंगे। संजीव कुमार और मैं 5 साल पिछले 6 साल से मालिक के शरण में हूँ और जिससे मैं मालिक के शरण में आया हूँ मैं काफी लाभ में काफी अपने आप उत्तम स्थिति। आप सर एक मिनट, आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी ओर से? जी जी, मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को सद्भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष के लिए काम करना चाहिए और मोक्ष का मार्ग श्री गुरु महाराज के शरण में दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है, ये हमारे प्रमाण से प्रमाणित बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं। वही बात मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं चूंकि खुद उससे लाभान्वित हूँ इसीलिए मैं दुनिया वालों को भी, संसार को, अन्य लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ अपने लिए काम करें और लोगों के नहीं चले, गुरु महाराज की बातों को सुने, समझे, उनके रहस्य को जाने और उसका अपना मोक्ष करें। जी धन्यवाद। अभी बात कर रहे थे सत्संग में आए हुए भक्तजनों से, अभी हम बातचीत कर रहे थे, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी के माध्यम से, आप देखते रहें बीआरजी टीवी।